देश भर में फैली महामारी के बीच साइबर धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक अकाउंट और वॉलेट से पैसे गायब होने के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। आपको बता दें कि जो लोग आज धोखाधड़ी करते हैं वे सिम स्वैप का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ग्राहकों के पूरे खाते को खाली किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि यह धोखाधड़ी कैसे होती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। मोबाइल फोन इस समय बैंकिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल ज्यादातर लोग अपने बैंकिंग का काम घर से ही मोबाइल द्वारा करते हैं। सभी को अपने खाते, शेष राशि और मोबाइल पर लेन देन के बारे में सभी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मोबाइल नंबर का इस्तेमाल OTP के लिए भी किया जाता है। इस मामले में धोखेबाज सिम स्वैप करते हैं। इसके अलावा मोबाइल सेवा प्रदाता के माध्यम से आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के लिए एक नया सिम कार्ड जारी करते हैं। इस नए सिम की मदद से धोखेबाज आपके खाते के विवरण और खाते को खाली करने के लिए OTP का उपयोग करते हैं। लोग फिशिंग या मैलवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से बैंकिंग खाते का विवरण चुराते हैं। इसके अलावा आपको फर्जी कॉल करके भी ठगते हैं। मोबाइल फोन खोने, नया फोन या टूटे हुए सिम कार्ड को झूठा बहाना देकर भी लोग बात करते हैं। ग्राहक सत्यापन के बाद वे आपके पुराने सिम को निष्क्रिय कर देते हैं और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को एक नया सिम कार्ड जारी करते हैं। नए सिम जारी होने के बाद ग्राहकों के फोन में कई नेटवर्क नहीं होगा। अब ग्राहक को फोन पर अलर्ट, OTP, URN आदि जैसे कोई भी सूचना नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि अगर आपको कोई कॉल या SMS नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आपको तुरंत मोबाइल ऑपरेटर से इस बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर और ग्राहकों को सिम स्वैप के बारे में सचेत करने के लिए अलर्ट भेजते हैं, जिसका अर्थ है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल ऑपरेटर से तुरंत संपर्क करके इस धोखाधड़ी को रोक सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको अपना विवरण किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अलर्ट के लिए रजिस्टर करें ताकि आपके बैंक में कोई समस्या होने पर आपको अलर्ट मिल जाए।